ब्रेक के बाद जारी है मुद्दे की बात। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भी सियासत चरम पर है। बस से शुरू हुई सियासत अब वीडियो वॉर तक जा पहुंची है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। काम धंधे सब कहां से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या क्या वहां क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, चुनाई प्लास्टर का। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है, मतलब सब एक साथ चले। हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। मदद करो, इतिहास का मदद करो, हम लोगों को मां मत लौटाना। भले ही ये वीडियो है, लेकिन हथियार है सियासत में वार का, जो इन दिनों भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि भाजपा सत्ता में है और सत्ता के हथियार होते हैं सरकार के काम, जिसके बूते वो अपने विरोधियों को शिकस्त देने का दम रखते हैं। लेकिन सियासत में सत्ता के मुकाबले कौन, ये सवाल भी होता है। और इसी सवाल के जवाब में पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। मदद करो, इतिहास का मदद करो, हम लोगों को मां मत लौटाना। यूपी की सियासत कोरोना से टर्न ले चुकी है, अब जोर आजमाइश चल रही है मिशन 2022 के लिए। और भाजपा के पीछे की लाइन में कौन लगेगा, इसके लिए धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी का वीडियो जैसे ही कांग्रेस ने पोस्ट किया, बसपा प्रमुख मायावती की नजरें टेढ़ी हो गईं। उन्होंने फौरन ही कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया। के बाद एक ट्वीट से किए गए इस हमले में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है, उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है। क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव शहरों में की होती, तो इन्हें दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ता। वैसे ही वर्तमान में कांग्रेसी नेता द्वारा लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वो हमदर्दी वाला कम नाटक ज्यादा लगता है। कांग्रेस अगर यह बताती कि उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों की वास्तविक मदद की, तो ये बेहतर होता। इधर मायावती ट्वीट से कांग्रेस पर वार कर रही थी, तो उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सरकार पर वार कर रही थी। अपने ट्वीट में प्रियंका ने लिखा कि पिछले 60 दिनों से यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात लग कर प्रवासी श्रमिकों और जरूरतमंदों की सेवा में लगे हैं। कांग्रेस के सिपाही द्वारा राशन, खाना और दवाई पहुंचाने का काम, श्रमिकों को भोजन पानी देने और उन्हें घर वापस लाने की सुविधा करने का काम सेवा भाव से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सक्रियता द्वारा अब तक 67 लाख लोगों की मदद हो चुकी है। अजीब बात है, यूपी सरकार ने सेवा कार्य से विचलित होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। अलग अलग जिलों में हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए गए हैं। परसों 50,000 उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने फेसबुक लाइव पर अपनी एकजुटता दिखाई। कल सभी जिलों में सरकार को ज्ञापन दिया। मुकदमे लगाने वाले शायद ये भूल गए कि ये महात्मा गांधी की पार्टी है। सेवा हमारे मूल में है और डरना हमारी फितरत नहीं। सेवा कार्यों को और तेज करेंगे। उत्तर प्रदेश में 31 साल गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकारें रहीं और सपा की सरकार रही, और कई बार तो गठबंधन की भी सरकारें रही हैं। तो अगर 31 साल तक ये सरकारें ने कोई ऐसा वातावरण इन प्रवासी मजदूरों के लिए क्यों नहीं बनाया कि यहाँ रहते, ऐसी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाई, इनको रोज़गार के साधन क्यों नहीं मुहैया कराए कि ये यहाँ रहते और इनका पलायन न होता, ये एक गंभीर सवाल है जिसका जवाब उनको देना चाहिए। दूसरी बात, 1989 के पहले कांग्रेस ने जितने भी बड़े उद्योग लगाए थे, बहुत सारे ऐसे उपक्रम थे यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग के भी थे, शुगर मिल्स थी, बहुत सारे उपक्रम लगे थे। असल में यूपी में लड़ाई अब नंबर 2 के लिए शुरू हो गई है। कोरोना का संक्रमण खत्म होने में भी कसर है, लेकिन सियासत के समीकरण सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में वीडियो वार तेज हो गया है। सपा ने भी डिंपल यादव का वीडियो डाला है, जिसमें वो आगरा एक्सप्रेसवे पर खाना बांटते हुए नजर आई। भाजपा की नजर सभी पार्टियों पर है, वो खुलकर कुछ नहीं बोल रही, बस सरकार के काम के बहाने वो इस जंग का खुद को बादशाह मान रही है।
देखिए, सत्यता को झुठलाया नहीं जा सकता। जो सत्य जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस बसों को लेकर केवल ड्रामा कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट है, और ये सत्य ही निकला अंत में, और झूठ सा बेनकाब हुआ। और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। वही बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, सभी दलों को स्वीकार करनी पड़ रही है कि हाँ, कांग्रेस जो कह रही थी प्रवासी मजदूरों के लिए, उसके दिल में कुछ नहीं था, वो झूठ पर आधारित था, यह ड्रामा था, यह स्टंट था, उसी को सभी दल कह रहे हैं। इस जेल पर 50 साल शासन किया, उत्तर प्रदेश में जरूर 30 साल से कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी लगातार वैसे ही बनी रही। और उस गरीबी का आज जब ये आज इतनी बड़ी महामारी पड़ी, तब लोगों को समझ में आया कि कैसे कहां का मजदूर कहां रोजी रोटी खोजने जाता है। तो कांग्रेस इस देश में आज़ादी के बाद का जो रोल था वो सही तरह नहीं निभा पाई है। धीरे धीरे ये बात सबकी समझ में आ रही। जो भी हो, कोरोना के मुद्दे को छोड़कर पार्टियां मजदूरों के बहाने ही खुद को मजबूत करने में जुट गई हैं। मिशन 2022 का जो सवाल है, लॉकडाउन में ट्विटर पर एक्टिव बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार भाजपा पर नरम और कांग्रेस पर गरम नजर आ रही हैं। पहले बस पॉलिटिक्स को लेकर बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर हमला किया। राजस्थान सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए बसों के बिल के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की और उसे गलत बताया। वहीं आज एक बार फिर से मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आज करोड़ों मजदूरों की जो हालत है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने अगर अपने शासनकाल में इन मजदूरों के लिए उनके गांव में ही रोजी रोटी का इंतजाम किया होता तो उन्हें पलायन नहीं करना पड़ता। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो तमाम सियासत, व्यवस्था और समाज की उलझनों से अलग वक्त और हालात की खींची हुई, जिसमें कानपुर के एक जोड़े ने नया संसार बसाया है। प्रेम की ये कहानी लॉकडाउन की है। लॉकडाउन में शादियों की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। कई शादियों ने सुर्खियां सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बटोरी, लेकिन कानपुर की ये शादी अनोखी है। वैसे कानपुर में पिछले दिनों अनोखी शादियों के कई रिकॉर्ड बने हैं। किसी की बारात 60 दिन बाद लौटी तो कोई शादी में वो भीड़ नहीं जुटा सका जिसकी चर्चा बारात के तौर पर हो सके। लेकिन जिस दूल्हा दुल्हन को आप देख रहे हैं वो कई मायनों में अलग हैं। अलग इस लिहाज से कि ये रिश्ता उन हालात में जन्मा जिसमें मुकम्मल जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। जिस शख्स को दूल्हे के तौर पर आप देख रहे हैं उसका नाम है अनिल और दुल्हन का नीलम। नीलम के हालात लॉकडाउन में ऐसे हो चुके थे कि उसे भिखारियों के साथ भूख मिटाने के लिए बैठना पड़ता था, जबकि अनिल जरूरतमंदों को खाना बांटने आता था। जी, हम खाना बांटने जाते थे लॉकडाउन में, तो खाना बांटने में ये आगे जिस जगह पे हम खाना बांटने जाते थे वहाँ पे ये रहती थी, तो इनसे ऐसे खाना बांटने में आते जाते रहे, बातचीत होने चालू हो गई। तो इन्होंने बताया कि हमें ऐसी ऐसी दिक्कत है, इनके पिताजी के पहले एक्सपायर हो चुके थे और माताजी को पैरालिसिस थी, इनके भाई और भाभी ने इनको घर से निकाल दिया। तो फिर आते जाते इनके साथ। इसी दौरान दोनों की आंखें चार हुई और जन्म हुआ इस रिश्ते का। नीलम की कहानी यह है कि उनके पिता नहीं हैं और माँ पैरालिसिस का शिकार है, ऊपर से अपने ही भाई भाभी ने हाथ झटक लिया, लिहाजा पेट की आग बुझाने के लिए उसे सड़क पर आना पड़ा। आज आपकी शादी हो गई है तो उम्मीद थी? नहीं। क्या कहना चाहती हैं? किसको शुक्रिया अदा करना चाहती हैं? ऊपर वाले को। क्या कहना चाहती हैं भगवान? कोई उम्मीद थी आपकी शादी ऐसे होने की? नहीं। ये सच है कि ऊपर वाला सबको सब कुछ नहीं देता, और जब वो देने का फैसला करता है तो फिर हालात कभी रोड़ा नहीं बनते। फिर चाहे किसी रिक्शे वाले के बेटे का आईएएस बन जाना हो या फिर नीलम का दुल्हन बन जाना।
प्रभात दोस्ती कानपुर एबीपी गंगा।